हौसले बुलंद हैं, आए दिन लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहा है। बावजूद इसके मथुरा पुलिस बदमाशों पर अंकुश लगाने में नाकाम दिखाई दे रही है। वही मथुरा जनपद के थाना राया क्षेत्र के माठ रोड स्थित DCS कॉलेज के समीप भाई के साथ बाइक पर ससुराल से मायके जा रही वहिता के साथ दो बाइक सवार बदमाशों ने लाखों रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। नकदी और जेवरात लेकर बदमाश फरार हो गए। वहीं सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लुटेरे की तलाश में जुट गई। मैं अपनी सिस्टर को लेकर आ रहा था भाजना से, और DCS के लगभग आते ही DCS से आ गई और दो बाइक सवार आए और उन्होंने बैग छीन लिया और उसमें 1.5-2 लाख रुपए की चीज़ थी। वो क्या रकम रखी थी उसमें? उसमें लगभग 2 लाख रुपए की। क्या सामान था? सामान उसमें एक हार था, एक पेंडल था, कानों के थे और 5-10 हज़ार रुपये थे। किसी को चोट वगैरह भी आई? चोट आई है मेरी सिस्टर को, चोट आई है, बाइक गिर गई थी, हम दोनों गिर चुके। वो लोग किधर की तरफ भागे? वो आगे भागे राय की तरफ। लखनऊ के PGI में इलाज करा रहे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के लिए अंबेडकर नगर के एक युवक ने रक्तदान किया। पूर्व मुख्यमंत्री प्लेटलेट्स की कमी को दूर करने के लिए मनीषा के एक यूनिट ब्लड दिया। आप करेगा मनीष ने निजी खर्च पर SGPGI लखनऊ में जाकर ब्लड डोनेट किया है। बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हालत खराब और ओ पॉजिटिव ब्लड का ग्रुप काफ़ी तलाश करने के बाद जब नहीं मिला तो मनीष यादव को उनके मामा सुरेंद्र यादव ने जानकारी दी। 25 साल के मनीष यादव को बीते सोमवार को बुला लिया गया। सोमवार को दिन में 11 बजे PGI में एक ब्लड यूनिट डोनेट किया। ATM में लोगों के कार्ड बदलकर